हेलो गाइस, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई सीन कुछ अभी ऐसा है कि आज है जुमा का टाइम और बहुत स्पेशल टाइम है। अभी जुमा की नमाज़ पढ़ के हम निकल चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो गाड़ी पर बैठे हुए हैं। निकल चुके हैं हम एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि भाई साहब जो मेरे बड़े भाई हैं वो आ रहे हैं आज कुवैत से। मेरी शादी में आए थे, उसके बाद फिर अभी आ रहे हैं, तो उन्हीं को रिसीव करने के लिए हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। उनकी प्लेन जो है वो 2:45 में बोधगया एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, और अभी यहाँ टाइम हो रहा है 1:22। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं, नमाज़ पढ़ लिया क्योंकि आज जुमा था, तो भाई जुमा की नमाज़ भी पढ़ना था, तो नमाज़ पढ़ के यहाँ से अभी हम निकल चुके हैं। और तो चलिए आप लोग रास्ते में से ही मेरे साथ बने रहिए, जैसे जैसे होता है उसके बाद आप लोगों को दिखाते चलेंगे। भदिया में है ये रहा भदिया, अभी भदिया में हैं हम, भदिया से अभी निकले नहीं है, हाईवे पर पकड़ने वाले हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, आप लोग ब्लॉग में आप लोगों को एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग दिखाते हैं। भाई ले लिया है पेट्रोल पंप से पेट्रोल और अब हम निकल रहे हैं जल्दी में, क्योंकि मेरे पास टाइम जो है वो बहुत कम है, क्योंकि नमाज थी, जुमा था, उसके वजह से काफ़ी टाइम ही हो गया है। तो चलिए अब यहाँ से निकल रहे हैं। स्पीड भाई 1:37 हो गया है, मेरे पास सिर्फ एक घंटा और बचा है यहाँ से बोधगया पहुँचने के लिए, जो कि बोधगया है काफ़ी दूर, नज़दीक है नहीं भाई। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से डोभी से अब डायरेक्ट हम। तो भाई ये रहा गया एयरपोर्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हो हम लोग गया एयरपोर्ट में इंटर कर चुके हैं, और ये रहा गया हवाई अड्डा, टाइम से पहुंच गए, 2:13 हो रहा है। और ये रहा एयरपोर्ट का रोड, बहुत ही मस्त एयरपोर्ट का रोड है भाई, एकदम मस्त चौड़ा बना हुआ है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी अंदर, टाइम देख लीजिए आप लोग, टाइम नहीं दिखेगा वाइड एंगल कैमरे में, तो 2:13 हो चुका है जैसा कि आप लोगों को हम बता दिया है। और बहुत ही मस्त एकदम सीन यहाँ पर है, बहुत मस्त जिसको बोलते हैं भाई, मस्त सीन है एकदम मस्त। चलिए ये सब एयरपोर्ट की बाउंड्री है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एयरपोर्ट की बाउंड्री है। गया का मस्त एयरपोर्ट है एकदम अपने एरिया में, आधा घंटा 45 मिनट लगता आने में, 45 मिनट लगता होगा, आधा घंटा तो नहीं, लेकिन बहुत मस्त है भाई। और मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, आवाज़ मैनेज कर लीजिएगा, इसलिए कि सुबह से बुखार भी है, उसके बाद भी AC चला रहे हैं, गर्मी इतनी है, तो सुबह से बुखार है, सर्दी बहुत हेवी है एकदम। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से एयरपोर्ट के अंदर। ये रहा एयरपोर्ट में आ गए हैं भाई, तो भाई ये देख लीजिए एयरपोर्ट, यहाँ पे सब हम लोग एकदम अंदर एयरपोर्ट के अंदर जो है एंटर कर चुके हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो चारों तरफ ग्रीनिश टाइप का है। और ये रहा मेन एयरपोर्ट, जान है भाई, इतना काहे को पोंपो कर रहे हो, पंच जाओ। तो चलते हैं पार्किंग में, गाड़ी खड़ा करते हैं, पता नहीं अभी तक तो प्लेन नहीं आएगी, क्योंकि 2:45 का टाइम है, तो प्लेन पहले कैसे आ जाएगी, ये भी मानने वाली बात है। तो चलिए यही रहा सब यहाँ पे है, अच्छा खूबसूरत एयरपोर्ट है, छोटा सा है बट खूबसूरत है। तो चलिए यहीं पे खड़ा करते हैं पार्किंग में कहीं पर करीब में, क्योंकि ज़्यादा दूर खड़ा करेंगे। ये रहा एयरपोर्ट, इधर रही पार्किंग, तो हम लोग करते हैं थोड़ा नज़दीक में पार्किंग, ज़्यादा दूर में नहीं करेंगे पार्किंग, हाँ यहीं पे सामने में खड़ा कर देते हैं, जगह भी है। तो ये कर दिया मैंने यहाँ पे पार्क, ये कर दिया यहाँ पे पार्क, ये रहा गया हवाई अड्डा, फोटो खींच लेते हैं। चलिए अब हम लोग गाड़ी बंद करते हैं, और गाड़ी बंद करने के बाद निकला जाए यहाँ से, AC को पहले बंद, उसके बाद इसको बंद, उसके बाद अब चला जाए बाहर। भाई गर्मी, बाहर में गर्मी है भाई, हालत ख़राब करने वाली गर्मी है। कर दिया लॉक और अब गाड़ी को खड़ा कर दिया यहाँ पे। ये रहा एयरपोर्ट, फ़ोटो ले लेते हैं 2-3 तो थंबनेल के लिए। भाई ये रहा एयरपोर्ट जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो चलिए यहाँ से अब चल रहे हैं अंदर, और देखते हैं कि पता नहीं अभी तक आए हैं कि नहीं,
है, छोटा ऐसा है, खूबसूरत है, लेकिन मस्त है भाई, छोटा है पर खोटा है। ये रहा भारतीय, यहाँ से ले लेते हैं एक फ़ोटो, मस्त आएगी। तो भाई हम वेट कर रहे हैं उनके बाहर आने का, क्योंकि लगता है कि प्लेन आ चुकी है जैसा कि दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए धीरे धीरे आदमी भी लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे जिसका जिसका सामान मिल रहा है वो लोग बाहर आते जा रहे हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं। अरबाज़ भी आया हुआ था, तो अरबाज़ और हम और एक लड़का और था साथ में, तीनों वेट कर रहे हैं उनका। तो चलिए आते हैं, उसके बाद लेकर के इनको निकलते हैं। लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं एयरपोर्ट से, तो चलिए रिटर्न होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से घर पर। भाई हम भाजन को लेकर के घर पर आ चुके थे, वीडियो नहीं बनाया था आने टाइम के रास्ते में, क्योंकि भाई साथ में थे तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया। गाड़ी हम ही ड्राइव कर रहे थे, और उसके बाद फिर आने के बाद खाना पीना मस्त चला, एकदम बिरयानी फर्स्ट क्लास, क्योंकि बिरयानी अभी लगातार चल रही है तो बिरयानी चली। और उसके बाद फिर अभी रात का टाइम है, टाइम आप लोग देखिए, अभी रात का 8 बजने वाला है, 8:30 के करीब हो रहा है, 8:30 होने वाला है। तो चलिए अभी थोड़ा सोचा कि वीडियो बना करके बता देते हैं आप लोगों को, और चलिए अब इस वीडियो को। हाँ, और आप लोगों को एक बात और बताना है कि कल एक व्लॉग आने वाला है, मस्त एकदम व्लॉग आएगा। वाईफाई अपने घर में लग रही है, तो उसका पूरा फुल व्लॉग आप लोगों को बनाएंगे, कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, कितना कॉस्ट पड़ रहा है, क्या स्पीड मिलेगी, कौन सा रोटर रहेगा, तो पूरा डिटेल्स आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसका वेट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट।